पूरा सच। सबसे पहले तो सुपारी के फलों को टहनियों से अलग किया जाता है, बाद में महिलाएं इसकी अंदर की गीली सुपारियां निकालती है। बाद में इन सुपारियों को जहरीले लाल रंग में उबाला जाता है ताकि इन्हें खाने पर आपका मुंह भी लाल हो जाए। जमीन में कलर अच्छे से मिल जाता है तब इन्हें सुखाया जाता है। सुखाने के बाद इनके छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं। बाद में उसमें कत्था, चूना और बाकी सारी सामग्री मिलाई जाती है, पर सबसे आखिर में इसमें कांच की पाउडर मिलाई जाती है। इस पाउडर की वजह से जब कोई भी ये गुटखा खाता है तब उसके मुंह में छोटी छोटी खरोचे आ जाती है, और जब गुटखे का निकोटीन उस जख्म पर लगता है तब झंझनाहट सी महसूस होती है और नशा चढ़ता है। पर सोचिए, यही कांच आपके पेट में भी जाती है और वो वहाँ कितने जगहों को जख्म पहुँचा सकती है। तो अब ये आपके ऊपर है कि इसका सेवन करना चाहिए।